हरियाणा में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। सभी पार्टियों के नेता जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई दूसरी पार्टी में सेंध लगाने में लगा है तो कोई दूसरी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबले को तैयार है। शायद यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी ने मायावती की पार्टी बीएसपी से गठबंधन कर लिया, जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने जेजेपी और बीएसपी के गठबंधन को मौका परस बताया है। कोई न कोई नया गठबंधन करते हैं, आज जेजेपी बीएसपी का हुआ था। एक साल के अंदर चार चार गठबंधन कर लिए, तो जनता के मन से उतर चुकी है पार्टियां। वही कांग्रेस में मची खींचतान को लेकर अशोक तंवर का कहना है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, सभी नेता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पार्टी को मजबूत करने के प्रयास तो लगे हुए हैं, रैली धरने प्रदर्शन आंदोलन पिछले पाँच साल में नहीं किया, वो भी करो, और दूसरे भाई जो पूरी रैली है वो भी पूरे हरियाणा में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। अब देखना ये है कि जेजेपी की ये नई जुगलबंदी विधानसभा चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी। R9 TV के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।